माय डियर लेडीजो एंड जेंटो, स्कर्टो एंड पेंटो, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटों और मंच पर पड़े दो खूबसूरत मेमेंटो को केशव मारवाड़ी का राम राम। है क्या ऐसी बात नहीं है, मेरे को अंग्रेजी डंकी नहीं आती, पर अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक मेरी मातृभाषा की ऐसी तैसी की थी, मैं तो इसी तरह ऐसी तैसी करके बदला ले रहा हूं। अभी ये आदरणीय प्रेरणा जी कह रहे थे सोनिया जी से छोरे नहीं संभल रहे, तो इसमें कोई नहीं है। अभी वो कुछ किसान गए, किसानों के लिए सोनिया जी ने मीटिंग बुलाई। सोनिया जी कह रही थी किसानों की फसल खराब हो गई, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कुछ किसान आए, उन्होंने भी 100-100 रुपए इकट्ठे करके सोनिया जी को दिए। बोले मैडम फसल तो आपकी भी खराब हुई है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है आज रामदशमी के अवसर पर, आप सबका मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूं। अच्छा देखो, कवियों की बात आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी, कवि युग दृष्टा होते हैं। आगे की बात पहले ही बता देते हैं, हमारे कुल गुरु तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले कह के गए थे कि आज जो आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, वो 500 साल पहले ही लिख के गए थे रामायण में, रामचरितमानस में, कि कलयुग में आधार कार्ड जरूरी हो जाएगा। आपने भी सुना होगा कलयुग केवल नाम आधारा। बस ये इस मस्ती को आनंद लेना, क्या छोटी छोटी बातों में आपको आनंद आता रहेगा। देखो मेरी शादी बहुत लेट हुई, 35 साल का हो गया तब जाके मेरी शादी हो गई। मैंने सोचा मैं तो लगभग रिजेक्ट ही हो गया, लेकिन एक मध्य प्रदेश के वीर पुरुष ने 70 साल की शादी उम्र में जब शादी की, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, तो मेरे में कॉन्फिडेंस जगा। मुझे लगा मेरा तो बाल विवाह ही हो गया था। हाँ, वो जब दामिनी कांड हुआ, संसद में बहुत समस्या रही, हंगामा होता रहा, इस बात पर बहस होती रही कि संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, संविधान में संशोधन किया जाए, कोई हल नहीं निकला। केसरदेव मारवाड़ी ने उनको सुझाव दिया, जब संसद में बहस चल रही थी कि संबंधों के न्यूनतम उम्र की सीमा तय की जाए, तो मैंने कहा आदरणीय नारायण दत्त जी तिवारी, दिग्विजय सिंह जी, आसाराम बापू, इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले अधिकतम उम्र की सीमा तय की जाए। मतलब इस देश की जो मूल समस्या है उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो लोग कहते हैं कि नेहरू जी बहुत रईस खानदान से आते थे, यहां तक कि उनके कपड़े भी विदेश से धुल के आते थे। अच्छा, कपड़े तो मोदी जी के भी विदेश से धुल के आते हैं, पर ये बहुत होशियार आदमी है, फ्री फोकट का फॉर्मूला अपनाते हैं। जब भी 5-6 जोड़ी कपड़े मेले हो जाते हैं, खुद ही विदेश चले जाते हैं। सब आदमियों के काम करने का अपना अपना सिस्टम है, मैं अपने सिस्टम से काम करना चाहता हूं। मैं राजस्थान जयपुर से हूं और पधारिए सर, आपका स्वागत है। हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, आप टाइम पे आए हो, आप तो टाइम पे ही पधारे। बहुत बहुत वंदन। अच्छा देखो, मैं पिछले दिनों लाफ्टर चैलेंज में गया, राजस्थान की भाषा सभ्यता संस्कृति को लेकर। अब बॉम्बे वाले कल्चर नहीं जानते, वहां मेरे को बड़ी दिक्कत आई। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। मैंने कहा सर इसको गोल करके तकिया, आओ भैया, जय हो। मैंने कहा इसको गोल करके तकिया, रोल करके रस्सी, खोल करके चादर बना सकते हैं, झोल करे तो ये थैला बन जाता है, और सिर पर लगते ही आदमी मारवाड़ का छेला बन जाता है। ये तो एक फेंटा है, फेंटा क्या, एक फेंटेसी है, इसकी आड़ में बदसूरती आदि हो जाती है, और इस साइन बोर्ड के लगने से तो कई गंजों की शादी हो जाती है। ये इस तरह की मस्ती है। अच्छा देखो, मैं गांव का आदमी, मेरी घरवाली जो है वो मैं जो बोलता हूँ वो नहीं समझती, क्योंकि मैं तो गांव की भाषा सरकाता हूँ, वो इंग्लिश मीडियम की है, वो अंग्रेजी में बोलती है, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। एक दिन मैंने उसको यूं ही लाड लाड में कह दिया, तू तो गेली है। उसने मेरे से पूछ लिया व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब मैं ये थोड़ी कहता तू बावली है। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश होके मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। ये गांव की मस्ती है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के पल्ले नहीं पड़ती। अच्छा मैं गांव से आजकल प्रोग्रामों के चक्कर में जयपुर शिफ्ट हो गया, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। अब मेरी घरवाली जिस दिन से शहर में आई है उसके भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा है। आप जानते हो शहर की अलग कल्चर, अपने गांव की अलग कल्चर। जब से वो शहर में आई है, शहर में सबको जीरो फिगर की, सुबह सुबह घूमने की, वो देखते हैं कॉलोनी की सब औरतें गली में सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलती है कुत्ता लेकर के। अब मैं नया नया शिफ्ट हुआ था, जब वो भी उसको चस्का चढ़ा घूमने का, वो भी उन औरतों के साथ रोज घूमने जाती, पर हमारे घर में कुत्ता नहीं था, वो रोज मुझे ले जाती। तो ये मतलब सिटी में आने का, जा जब भी हम शहर में कहीं जाते हैं किसी पार्टी में तो उसको तो वो मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा है, वो पिंक साड़ी पहन के जाती। मैंने पूछा पिंक साड़ी क्यों, बोले आप नहीं समझते हम गुलाबी नगरी में रहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी में रहते हैं, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वेरी गुड। अब जिस पार्टी में जयपुर में जाए वो गुलाबी साड़ी पहन के, अच्छा मैं पिछले दिनों लाल किला गया वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया वो हरी साड़ी पहन के गई, मैं पीली बंगा गया वो पीली साड़ी पहन के गई। योगेंद्र जी अज्ञात आशंका के चलते मैंने नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। कौन रिस्क ले जी। वो हमारे गांव के पास एक सालासर जी का मंदिर, एक दिन ये आ गया भाई मुन्ना बेटरी, बोले बाबा के दर्शन करने हैं सालासर जी के, मेरे साथ चलो मैं परिवार सहित आ रहा हूं। मैंने कहा मैं भी परिवार सहित आऊं, मैं भी परिवार सहित, ये भी परिवार सहित। जब दर्शन करके मैं बाहर निकला तो मैं परेशान घूम रहा था, मुन्ना ने कहा भाई क्या हुआ, और मैंने कहा होना क्या था, चप्पल खो गई। बोले इसमें टेंशन वाली क्या बात है, हमारे मंदसौर वाला सिस्टम अपनाओ। मैंने कहा बताओ, बोले यार काहे के मारवाड़ी आदमी हो या लाखों की भीड़ हजारों जोड़ी चप्पल, आप तो एक काम करो इनमें से कोई अट्रैक्टिव, कोई फैंसी, कोई बढ़िया कंपनी की, बहुत शानदार जानदार जो आपके एकदम फिट आए पहनो और निकल लो। मैंने ऐसा ही किया, मैंने एक बढ़िया चप्पल पहन के मैंने कहा लो मुन्ना भाई चलो चलते हैं। बोले यार रुको तुम्हारी भाभी नहीं आई, हम आधे घंटे तक इंतजार करते रहे। अरे मैंने कहा मुन्ना भाई क्या हुआ, बोले लगता है यार इस मेले में कहीं खो गई है। अरे मैंने कहा डोंट वरी, एन भी टाने तक बताऊं क्या, और ये तो टेंशन में आ गया। अरे मैंने कहा टेंशन मत करो, हमारे यहाँ सिस्टम बहुत बढ़िया है, पुलिस बहुत एक्टिव है, यहाँ एमपी की तरह लेजी नहीं है। आप अभी पुलिस में रिपोर्ट लिखा के आओ, एक क्या दस ढूंढ के ले आएगी। अरे बोले मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा, अपना पुलिस का एक्सपीरियंस खराब है। मैंने कहा क्या हुआ, बोले देखो कुछ भी हो जाए लुगाई वापस आए कि नहीं आए थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस खराब। अरे मैंने कहा हुआ क्या, बोले होना क्या था पिछले महीने मेरी मोटरसाइकिल खो गई थी, मैंने थाने में रिपोर्ट भी लिखाई, पुलिस ने ढूंढ तो तीन ही दिन में ली थी, मेरे को एक महीने बाद लौटाई। तो अपने को कोई रिस्क का काम नहीं करना। अच्छा ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा था आपसे जुड़ने जुड़ाने के लिए, आपको पता चले कि राजस्थान से कोई इंटेलिजेंट आदमी आपके सामने आए। बाकी आजकल हमारी तो राशि बहुत खराब चल रही है, मिथुन राशि, वो केजरीवाल को शाही मिल रही है, कन्हैया को गालियां मिल रही है, मेरे को फोकट में ही तालियां मिल रही है। मैं कुछ बात आप तक बढ़ाना चाहता हूँ, पहुंचाना चाहता हूँ, कुछ गांव की मस्ती आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था, इतना इंटेलिजेंट कि मैंने तो तीसरी क्लास में ही साइंस बायोलॉजी ले ली थी। मैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, संस्कृत को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट में बहुत होशियार था। फिर बचा क्या? और नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा वाले गुरुजी को पाउच में ही लाके देता था दारू का।
पीटीआई जी के फोकट के मेडिकल फर्जी बिल मैंने ही मंगवाए थे। तो जब क्लास में किसी सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता तो गुरुजी को केसरदेव मारवाड़ी निपटाता था। कुछ सवाल आप तक आनंद तक पहुंचाना चाहता हूँ, सवाल सुनना और सवाल की मस्ती आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ता था उस समय, आजकल तो देखो अपन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो कितना स्कूल बस की व्यवस्था है, कोई स्कूटर से, मोटरसाइकिल से या गाड़ी से, वैन से, टेम्पो टैक्सी किसी से छोड़ते, आजकल किसी के बच्चे पैदल नहीं जाते। पर जब मैं पढ़ता था उस टाइम ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, मेरी उम्र के सब लोग जानते होंगे सबको पैदल जाना पड़ता था। पर उस टाइम भी भाई साहब मैं कभी पैदल नहीं गया, अपन ने स्टैंडर्ड मेंटेन रखा, कभी पैदल नहीं गया, स्कूल से ही गुरुजी चार छोरों को भेजते थे। आजकल ऐसा थोड़ी होता है, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर हमारे राजस्थान में देवनानी जी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने आजकल बड़ा दृश्य चेंज कर दिया राजस्थान में शिक्षा विभाग का। आजकल मैंने देखा एक सरकारी स्कूल के आगे ऐसे ही 10-12 लड़के एक जने को ले जा रहे थे स्कूल, जबरदस्ती पुराने टाइम में ले जा रहे थे। अरे मैंने उनको छुड़ाया, मैंने कहा इस बच्चे को छोड़ो, आजकल ऐसा जमाना नहीं रहा, आजकल एजुकेशन वो राइट बन गया है, आप इसको छोड़ो। मैंने जबरदस्ती करके उस बच्चे को छुड़ाया, मैंने कहा यार इस बच्चे को छोड़ो, आप इसके पीछे क्यों पड़े हो। वो छोरे बोले ये बच्चे नहीं है, ये हमारे सर है, एक महीने से नहीं आ रहे हैं, जनगणना का कह के गए थे। तो इस दृश्य के बीच में आप तक मस्ती पहुंचाना चाहता हूं, आपको आनंद आ रहा था, एक बार तालियां वालियां बजा करके। वो गुरुजी ने मेरे से क्लास में सवाल किया, अपन ने जवाब दिया बिल्कुल सही, गुरुजी का पहला सवाल सुन लो, सवाल का जवाब आपके अंदर की मस्ती जगाए। वो गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का नाम बताओ। मैंने कहा सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है, दूसरा करवाओ। गुरुजी बोले यार साइंस के इस क्वेश्चन को गलत किस कारण कहते हैं। मैंने कहा सर दूध को दही में बदलने वाले को जीवाणु नहीं, हम जावण कहते हैं। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है रमेश। रमेश ने कहा सर सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस द्रव गैस। बोले एग्जाम्पल देके बताओ रामलाल। रामलाल ने कहा सर दाल दाल दाल। तो गुरुजी टेंशन में आकर पूछ लिया एक सवाल, बोले यार ये दाल एक साथ तीनों अवस्था में कैसे, तीनों स्टेट में कैसे। तो अपन ने समझाया सर ऐसे, दाल जब बाजार से लाते हैं तो वो ठोस होती है, सॉलिड होती है, जब मम्मी उसे बनाती है वह द्रव यानी लिक्विड होती है, और जब दादाजी उसे खाते हैं तो उनकी गैस बनती है। इस प्रकार ये एक साथ तीनों अवस्था में मिलती है। गुरुजी ने खट क्वेश्चन बदल दिया। गुरुजी ने दूसरा क्वेश्चन किया, बोले वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितनी कितनी परसेंटेज होती है। गुरुजी ने खट सवाल बदल दिया, वायुमंडल में गैसों का अनुपात बताओ। मैंने कहा सर इस क्वेश्चन को भी आज क्लास में मत करवाओ, पिछली क्लास में गुरुजी इसी क्वेश्चन के कारण चोट खाकर आए हैं, और सर रहने दो आज क्लास में 5-7 लड़के मोट खाकर आए हैं। गुरुजी ने दूसरा सवाल पूछा, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। और जवाब आप तक पहुंचे तो आपका प्यार चाहता हूं। गुरुजी ने क्वेश्चन किया, बोले दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। मैंने कहा सर बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे। बच्चे माँ बाप की आंखों के तारे दिन में स्कूल चले जाते हैं बेचारे, पर जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है और सब बच्चे मिलकर घर में उद्यम मचाते हैं उस दिन हर माँ बाप को दिन में तारे नजर आते हैं। अब की बार गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन यानी चुंबक की आकर्षण का पाठ पढ़ाया। अपन मारवाड़ी आदमी एकदम प्रैक्टिकल, उधर गुरुजी ने थ्योरी पढ़ाई, इधर अपन ने प्रैक्टिकल शुरू किया। गुरुजी ने जो ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाया, मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खींचाव नजर आया। गुरुजी ने मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाया, मुझे क्लास में बैठी एक लड़की में खींचाव नजर आया। गुरुजी के जाते ही मैं रास्ते से भटक गया, उस लड़की की तरफ मुंह करके स्वतंत्रता पूर्वक लटक गया, पर मेरे पड़ोस में बैठे भाई अतुल ने मेरी पोल खोल दी। गुरुजी लट लेकर आए, मेरी चमड़ी छोल दी। मैंने माफी मांगते हुए कहा सर इस डंडे से सारे फंडे स्पष्ट हो जाते हैं। मैं समझ गया पीटने से चुंबक के गुण नष्ट हो जाते हैं। गुरुजी ने सब्जेक्ट बदल लिया, अब की बार थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया। अब गुरुजी मेरे को उलझाना चाह रहे थे, बोले हृदय का नामांकित चित्र बनाओ। अब अपने को हृदय का मतलब पता नहीं,
मैंने पूछ लिया संदीप जी से, मैंने कहा संदीप जी हृदय को हिंदी में क्या कहते हैं, बोले हार्ट। और मैंने कहा हार्ट मतलब, बोले दिल। और मैंने कहा दिल का नामांकित चित्र बनाना है, अपने को आता है, आप में से भी कईयों ने प्रैक्टिस की होगी, अपन ने वो पान वाला चित्र बनाया बीच में एक तीर का निशान भी फंसाया, और गुरुजी ने कहा नामांकित, अपन ने नाम लिखना शुरू किया, अनिता सुनीता कविता, गुरुजी बताओ और किता। गुरुजी ने सब्जेक्ट ही बदल लिया, बोले मैथमेटिक्स आती है, मैंने कहा सर बिल्कुल आती है। गुरुजी ने कहा देख एक बाल्टी तेरे घर में 10 लीटर की है, दूसरी बाल्टी 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा 6 घंटे। अरे बोले तू समझा नहीं सवाल, दोबारा सुन, एक बाल्टी 10 लीटर की, दूसरी बाल्टी तेरे घर में 20 लीटर की है, 10 लीटर की बाल्टी को भरने में 1 घंटा लगता है, 20 लीटर की बाल्टी को भरने में कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा सर 6 घंटे। बोले यार मुझे लगता है तेरी कुछ वो जो लेसन है प्रश्नावली है वो छुटेड़ी है। मैंने कहा सर नहीं, हमारी बड़ी वाली बाल्टी फुटेड़ी है भाई, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी को थोड़ी पता है। गुरुजी सब्जेक्ट बदल के बोले तेरी संस्कृत कैसी है। मैंने कहा अपनी संस्कृत एकदम टन टना टन टन। गुरुजी ने कहा कोई नीतिगत श्लोक सुनाओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, धन्यो धावती यदय तुय बसंती लजाया प्रसन्न अस्थि। गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने ऐसा नीतिगत श्लोक नहीं सुना था। मेरे को कहा देख दोबारा सुना, धीरे धीरे सुना, इसका हिंदी अर्थ भी बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, धन्यो धावती अलय तो है बसंती लजाया प्रसन्न अस्ति, अर्थात चल धन्यो, आज बसंती की इज्जत का सवाल है। गुरुजी समझ गए, इसकी तैयारी दूसरे टाइप की है। मेरे को कहा देख मैं तेरे को संस्कृत का एक श्लोक देता हूं, तू इसका हिंदी अर्थ बना देगा। मैंने कहा सर बिल्कुल बना दूंगा, आप तो श्लोक सुनाओ। गुरुजी ने मेरे को वो श्लोक सुना दिया, सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले इसका हिंदी अर्थ बताओ। मैंने कहा सर सुन जाओ, सर्वे भवन्तु सुखिने यानी सर्वे से पता चला है कि कोई आदमी सुखी नहीं है। सर्वे संतु निरामया, अब नीर का मतलब पानी, मय का मतलब शराब, सर्वे संतु निरामया यानी सभी संतों ने कहा है कि शराब में पानी मिलाकर पीना चाहिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये सारे भद्र आदमी इसी में फंसे हुए हैं। मां कश्चित् दुख भाग भवेत, हे मां अब भागकर मैं भी जाऊं तो कहां जाऊं। अजय अपना ज्ञान देकर गुरुजी समझ गए छोरा स्कूल का रिजल्ट खराब करेगा तो यही करेगा। अजय जब मैं आपको बताऊं 10th में पहुंचा तो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन अफगानिस्तान जैसी थी, बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं। किसी ने कह रखा था जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, अपन ने भगवान के नाम एक लेटर लिख दिया। मैंने कहा डियर भगवान जी बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये की आवश्यकता है, तत्काल भेजो। अगर आपने फार्म के लिए 1000 रुपये नहीं भेजे, मेरा 1 साल खराब हो गया, तो इसके डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल आप, भगवान श्री राम वैकुंठ धाम लिख करके लेटर पोस्ट कर दिया। अब साहब पोस्टमैन के प्रॉब्लम हो गई, भगवान श्री राम वैकुंठ धाम एड्रेस ही नहीं मिला। अरे कहां से मिलता, बीजेपी वालों को 25 साल से राम का एड्रेस नहीं मिल रहा है। उसने पोस्टमैन ने देखा, अंदर से खोल के देखे, उसने लेटर खोल के देखा, लेटर पढ़ा तो उसको दया आ गई। बोले एक बच्चे के फ्यूचर का सवाल है, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। तो वो वापस पोस्ट ऑफिस में गया, स्टाफ को दिखाया, वो लेटर पढ़ाया, बोले यार एक बच्चे को कुछ पैसे चाहिए, अपने को हेल्प करनी चाहिए। तो स्टाफ में से पोस्ट ऑफिस में किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 50 रुपये दिए, कोई ये रघुवंशी जी जैसे बहुत बड़े दानी थे 1 रुपया नकदी टिका दिया। कुल मिलाकर के 800-100 रुपये हो गए, 800 रुपये का मेरे मनी ऑर्डर आ गया। अपन ने जैसे तैसे काम चलाया, फार्म भरा, वापस भगवान को धन्यवाद लेटर भी लिखा। मैंने कहा डियर भगवान जी आपकी कृपा से मेरा 1 साल खराब होने से बच गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे 1000 रुपयों की आवश्यकता थी। अच्छा शायद आपने भी 1000 रुपये भेजे होंगे, बीच में 200 रुपये ये पोस्ट ऑफिस वाले खा गए। अब की बार भेजो तो कोरियर से भेजना।
तो साहब मैं बताऊं आपको, जब मैं 10th में पहुंचा तो रिजल्ट खराब होने के डर से गुरुजी ने मेरे को बुलाया, बोले देख तू इंग्लिश का रिजल्ट खराब कर दिया तो पूरी स्कूल का रिजल्ट खराब हो जाएगा, एक काम कर इस साल बेस्ट फ्रेंड का ऐसे आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तू रट ले। तो मैंने कहा कैसे, तो गुरुजी ने बताया था जैसे, ठीक वैसे का वैसे अपन ने रट लिया बेस्ट फ्रेंड का ऐसे। आपको भी बताता हूं कैसे, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही यूजुअली कम टू माई हाउस, माई मदर ऑल्सो लव हिम, एंड ए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। पर दोस्तों गड़बड़ हो गई, बेस्ट फ्रेंड की जगह फादर का ऐसे आ गया, पर अपन तो मारवाड़ी आदमी, जहां जहां फ्रेंड लिखा था वहां वहां फादर घुसेड़ दिया। आई हैव मेनी फादर्स, मिस्टर रामलाल इज माई बेस्ट फादर, ही यूजुअली कम टू माई हाउस, माई मदर ऑल्सो लव हिम, एंड ए फादर इन नीड इज फादर इन डीड। नमस्कार। अरे वो कविता तो पढ़ो। केशव देव जी इतने सस्ते में छूटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ पूरा सरल एक बार ताली बजाकर वो विधायक वाली कविता, राव में भी आप छोड़ गए थे। नहीं ये पीतमपुर है, यहाँ अच्छे अच्छे पानी मांग लेते हैं। नहीं गांव का नाम ये सब पी थम पूरा, तो मैं थम गया था बीच में थोड़ा। हाँ। दोस्तों एक हास्य व्यंग से जोड़ता, मैं व्यंग लिखता हूँ मैं सम्मानित मंच को, और मैं बता रहा हूँ अभी तो चुनाव का बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है, अभी मैं पश्चिम बंगाल गया, आसाम गया। हाँ। मैं पश्चिम बंगाल पहुंचा तो मैंने देखा वहां एक कुत्ता जो है वो यूं पूंछ हिला रहा था, और मैंने कहा ये पूंछ हिला रहा है, यहाँ कोई वो बॉम्बे वाली दिक्कत है क्या, पूंछ हिलाने के लिए जगह नहीं है। बोले नहीं नहीं आजकल चुनाव की घोषणा हो गई, और मैंने कुत्ते से पूछ लिया तो यूं क्यों पूंछ हिला रहा है, बोले चुनाव घोषणा होने के बाद हम कुत्ते लोग पूंछ यूं ही हिलाते हैं, यस में ही, ना में नहीं हिलाते। वो मुझे याद है एक चुनाव के टाइम में एक मंत्री जी जा रहे थे गाड़ी लेकर के, अचानक एक गाड़ी के भचेड़ लग गया, कुत्ता मर गया। मंत्री जी ने सोचा चुनाव के टाइम तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी छोटी बात के इश्यू हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर भेजे, बोले उस खेत में डाणी में जा और मामला निपटा के आ, जितने पैसे लगे तू चुपचाप दे आना, मामला नहीं बढ़ना चाहिए। वो वापस ड्राइवर आधे घंटे तक नहीं आया, आधे घंटे बाद जब वापस ड्राइवर आया तो उसके गले में माला पड़ी हुई, साफा बंधा हुआ, नोट हाथ में, गुलाल लगी हुई। नेताजी ने कहा यार ऐसा कैसे गड़बड़ हो गया, गांव वालों ने कहीं तेरे को मंत्री समझ के सम्मानित कर दिया क्या, तूने वहां जाकर के क्या कहा, जवाब सुनना, आनंद आए तो मजे से तालियां बजा के मेरे को बताना। मंत्री जी ने ड्राइवर को कहा कि यार मैंने तेरे को मामला सल्टाने भेजा था, तेरा इतना स्वागत हो गया, ये कैसे हो गया, वहां जाकर के तूने क्या कहा। ड्राइवर ने कहा सर मैंने तो वही कहा जो आपने कहा था, मैंने वहां जाकर के हाथ जोड़ करके कहा मैं नेताजी का ड्राइवर हूं, मैंने कुत्ते को मार दिया है। पल्ले पड़ गई तो जोरदार तालियां वाले बजा के बताओ। हाँ वो क्या है, हिंदुस्तान की व्यवस्था है। इस देश में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए इस देश में दो चीजें कभी डंकी नहीं बन सकती। हाँ। दो चीजें इस देश में कभी सुधर नहीं सकती, एक तो माइक, दूसरे विधायक, और दोनों के लक्षण एक दूसरे से मिलते हैं। मैं एक की परिभाषा बताता हूं, आपको लगे कि दूसरे की भी ठीक है, उससे मिलती जुलती है तो आपका प्यार चाहता हूं। व्यंग्य की कविता आप एक एक शब्द से सुनना, आनंद लेना, मैं बात माइक की करूंगा, आप दूसरी साइड में समझोगे। इस विधा को कहते हैं LLTT, लुक लंदन टॉक टोकियो, यानी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मैं माइक की बात करता हूं, आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं, व्यंग पहुंचाना चाहता हूं, आनंद लेना। माइक की विशेषता बताता हूं आपको, विधायक की विशेषता अपने आप समझ में आती जाएगी। एक तो ये अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते, स्पीकर से सेटिंग बिगड़ते ही सिट्टी मारते रहते। अच्छा मंच पे इनको कितना ही झुका लो झुक जाएंगे, पहले कितना ही टेस्ट कर लो एंड टाइम पर रुक जाएंगे। माइक की कह रहा हूं, हाँ मैं तो माइक की कह रहा हूं। अच्छा वैसे तो आप जानते हो कि ये किराए के मिलते हैं।
लाने ले जाने के पैसे भी जेब के ही लगते हैं, लेकिन पैसे वाले लोग कभी किराए के नहीं लाते, ये अपना पर्सनल बपराते हैं। क्योंकि जो लोग MP3 और MP4 को होल्ड कर सकते हैं, वो छोटे मोटे डिवाइस तो होल्ड कर ही सकते हैं। इनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, पसीने छूट जाते हैं, माइक की कह रहा हूं, इनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती, पसीने छूट जाते हैं। ये तो हम ही लोग हैं जो चंद चांदी के टुकड़ों के खातिर इनको मुंह लगाते हैं। वाह 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 वाह, वरना इज्जतदार लोग तो इनको घर में भी नहीं बपराते। अच्छा, इन पर कितने ही चीखो कितने ही चिल्लाओ, ये आपके हो नहीं सकते, और इनके चलते आप रात को घर में शांति से सो नहीं सकते। इन्हीं से मंदिर की आरती होती है, इन्हीं से मंदिर की आरती होती है, इसी से मस्जिद की अजान होती है, इन्हीं से गुरुद्वारों में प्रेयर और चर्च में अरदास होती है, इन्हीं से नारे प्रदर्शन और हड़ताल होती है, और हर दंगे के पीछे इन्हीं की आवाज होती है, हर दंगे के पीछे इन्हीं की आवाज होती है।